हेलो फ्रेंड्स, मैं सर मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ सीलिंग फैन का हाई स्पीड का डाटा। आज मैं आपको बता रहा हूँ सीलिंग फैन का डाटा हाई स्पीड पखे का। यस तो सर। सीलिंग फैन में आपको ये बता रहा हूँ कि ये डाटा है इसका। तो इसका पहले है स्टेटर साइज 1.5 सेंटीमीटर। सर ये स्टेटस साइज क्या होता है जी? स्टेटर साइज क्या होता है कि मैंने हर वीडियो में बताया, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी स्टैम्पिंग है, ये वाली। तो ये स्टैंपिंग में ये आपको इसको फुटेज से इसको नापना होता है। तो मैं उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया है कि भी आपके हमारे पक्के की स्पीड नहीं बनती। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ये बीच में एयर गैप आपको नजर आ रहा है, ये वाला एयर गैप, हाँ जी सर। ठीक है। और ये जो इसकी जो स्टैंपिंग, जो इसकी जो पत्तियां होंगी ना, ये वाली, हाँ जी ये सर। कोर इसको बोलते हैं हम। हाँ जी सर। इसको कोर बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। ये बड़ी हार्ड होगी ये वाली। तो और इसमें एयर गैप होगा तो इसमें मैग्नेट लॉस होता है। ये देखो, तो जो अच्छा कंपनी का पक्का होगा वो बिल्कुल नरम होगी और बिल्कुल वो साथ में ऐसे जुड़ जाएगी। ये देखो गैप आ रहा है ना, हाँ ये जी सर। मैं इसको दबा रहा हूँ हाँ जी हाँ जी। तो ये जुड़ रहा है। तो ये जो है आपका, ये जो इसका एयर मैग्नेट लॉस तब होता है, उसके से क्या होता है, यही सेम अगर डाटा आपका डाला हो पक्के में, हाँ दूसरे पक्के में, जी सर। तो जिसकी कोर अच्छी है तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी बनती है और वो कम वोल्टेज पे वो हाई स्पीड पे ज्यादा तेज चलेगा। सर एक सवाल जी, हाँ जी, सर इसमें जो एयर गैप आप बता रहे हैं इसको कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है कि नहीं? वो ये है कि भी लास्ट में जब इसको आप बांधेंगे तो आप धागा बांधेंगे तो हाँ फिर जी भी आपके पास एयर गैप रह जाएगा। कितना जोर लगा लो, मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ इसमें, देखो जी पूरा जी सर। इसमें जोर कोई लगा नुकसान रहा हो हूँ। सकता है सर? नुकसान ये है कि भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसका लॉस होता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो स्पीड कम बनती है और हमारी जो वोल्टेज भी ज्यादा खाएगा। अगर मतलब 220 आ रही है वोल्टेज तो फिर तो इसकी स्पीड ठीक है, बहुत अच्छी है, चलेगा 200 में भी चलेगा। पर जिसकी कोर अच्छी है वो अगर 180 वोल्ट आ रहे हैं या 150 वोल्ट आ रहे हैं तो भी उसकी स्पीड ज्यादा अच्छी होगी। जी सर। आपने देखा होगा पंखों में, अपने अपने घर में, जी सर। कि भी एक घर में दूसरे कमरे में पंखा तेज चल रहा है और इस कमरे में स्पीड कम है और जी सर। कंडेंसर भी बदल दिया है। तो इस करके ये भी एक कारण होता है कोर की वजह से, जी सर। ठीक है। हाँ अब जी। ये सवाल था कि ये स्टेटर साइज कैसे लेते हैं। हाँ जी तो सर। स्टेटर साइज ऐसे लेते हैं ये। तो ये आप नापेंगे तो ये देखो, ये 1.5 सेंटीमीटर है, जी सर। ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है ना इसमें। हाँ जी सर। तो ये आपका स्टेटर साइज हो गया। उसके बाद ये हो गए स्लट। सर ये स्लॉट क्या होता है जी? स्लट क्या है कि ये जो इसमें जिसमें खांचे जिसको बोलते हैं, ये जिसमें हम कॉलें डालेंगे, ठीक जी सर। है। इसमें लिखा है 12+12, जी सर। ठीक है। तो 12+12 का मतलब ये है कि ये अंदर के 12 हैं, दो, ये 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, ठीक जी है। तो ये आपके जो जो है कांचे जो 12 हैं, 12 ही 12 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जी यानी सर। कि ये जो जहाँ पेपर डाला वो ले है। मैं ये इधर नहीं वाला गिन रहा, ये वाले हैं, जी ये सर। आपके कॉलेज यहाँ डालनी है, जी ठीक सर। है। उसके बाद लिखा हुआ ये हाई स्पीड तो है ही है पक्का ही आपका। उसके बाद ये आपका है रनिंग का, रनिंग पिच जो है, रनिंग पिच है 1-4, जी सर। ठीक पिच क्या है। होती है जी? पिच ये होती है कि भी जहाँ पे कॉइल डलनी है, ठीक है। जी उससे सर। पहले आपका ये बीच में ये कॉइल का रह गया, मैं आपको बताना कि भी 6+6 की कॉइल इसमें डाल रही है। सर 6+6 क्या जी? 6+6 क्या है कि इसमें कॉइलें जो है 6 अंदर डल रही है, 6 बाहर डल रही है। जी तो इसको सर। अगर गिनेंगे ऐसे तो ये 1, 2, एक कॉइल यहाँ डलेगी, एक जी यहाँ से यहाँ, ये दूसरी कॉइल, ये तीसरी कॉइल, ये चौथी कॉइल, ये पांचवी कॉइल, ये छठी कॉइल, जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो 1-4 की पिच चाहिए। तो अगर आप बाहर से गिनेंगे तो ऐसे गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ जी ऐसे हाँ जी ऐसे अगर गिनोगे तो ऐसे आपको ये ऐसे गिनना है ये आपका। जी सर। फिर कॉयल डालने, आप कॉयल कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी आपको बता ठीक दूं, है जी। ठीक है। ये आपका मैं ये रह गया था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे एक पिच। पिच पे, हाँ पिच जी 1-4 की थी। हाँ तो जी इसमें सर। है तीन, यहाँ पे लिखा ट्रिपल, ट्रिपल टी। का मतलब है 3 बारी। हाँ जी तो सर। इसमें क्या कि 3 बारी कॉयल अंदर डालनी है, ये वाली अंदर, ये वाली ये जी आपके सर। रनिंग की है, जी ठीक सर। है। तो अब इसके बाद फिर है आपका कॉयल साइज, कॉयल साइज इसका है 35 सेंटीमीटर, जी सर। ठीक है।
तो इसका कॉइल साइज कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जी सर। क्योंकि बहुतों ने पूछा कि साइज कैसे लेते हैं, हाँ तो जी मैं आपको साइज के बारे में बता देता हूँ। हाँ जी एक आप स्लीव से आप कर, तो ये स्लीव लेके आप यहाँ से स्टार्ट करो, आपने यहाँ पे डालना है यहाँ से यहाँ, तो ये 1 4 है, ये यहाँ से यहाँ, तो इसको थोड़ा लंबा कर लो, ये यहाँ, ये अंदर का ले रहे हैं तो थोड़ा फालतू लिया हुआ है मैंने, क्योंकि तो मैंने स्लीव इस करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। इसमें वैसे कॉपर की तार डालनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए साइज। बड़ा साइज लेने से क्या नुकसान होगा कि नीचे जो इसके जो ऊपर नीचे के जो ढक्कन है उस पर आपकी ये तार बीच में टक्कर खाएगी ये, ठीक है, और उसमें फिर पक्का अर्थ हो सकता है। जी तो सर। यहाँ पे आ गया ये, तो 3 बारी हो गया ना, हाँ जी तो सर। इसको आप ये निकाल दो। आप यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने पकड़ लिया, ठीक है, इसको आप फिर आप आपने इंची टेप से नाप लो, ये इंची टेप से नापेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, इसमें आया था 35 सेंटीमीटर, तो ये आ रहा है कितना, क्योंकि इसमें थोड़ा मैंने बड़ा खुला खुला आता है ना, इसमें इसमें 42 दिखा रहा है, जबकि मैंने जिसको जब तार से लिया था ये देखो 45 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि ये 35 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्लीव में ये फालतू दिखा रहा है, जी सर। ठीक है, तो स्लीव में फालतू इस करके दिखा रहा है कि मैंने इसको खुला खुला लिया आराम से, तो इस हाँ जी करके ये आपको 37 सेंटीमीटर दिखा रहा है, 45 सेंटीमीटर दिखा रहा है, जी ठीक है सर। जी। उसके बाद फिर आपका है, अगर आप तार से लोगे तो 35 सेंटीमीटर ही आएगा, जी सर। चाहे आप तार कोई भी ले लो, ठीक है। ठीक उसके है। बाद फिर आपका है टन्ने, 170 टन्ने, जी सर। ठीक है, तो 170 टन्ने जो आपकी अंदर रनिंग में डालेंगी और बाहर डाले, ये तो अंदर की होगी ये रनिंग की, जी तो सर। मैंने आपका रनिंग का ये बता दिया। जी सर। अब उसके बाद बाहर की जो कॉलर डालेंगी वो है आपकी स्टार्टिंग, जी इसकी भी पीछे 1 4 है, ठीक है, ये 1 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, जी सर। तो और ये आपकी होगी आपकी 3 गुना, ठीक है, जी सर। 3 टाइम्स। कॉइल साइज जो आपका है 37 सेंटीमीटर, जी वैसे इसका कॉइल साइज लेना है आपने, ठीक है, हाँ इसका जी कॉइल साइज बड़ा है, इसका हाँ तार जी से लिया हुआ है। उसके बाद फिर इसकी है टर्ने, इसकी 170 थी और जो स्टार्टिंग की टर्ने है वो 150 है, जी सर। ठीक है, और SWG तार नंबर है इसकी 35, सर SWG का क्या मतलब है जी, फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज, जी सर। ठीक है, और ये 35 नंबर की तार है, इसमें तार नंबर अलग भी डल सकती है पर उसके टर्ने भी फर्क होंगी, सर इसमें तो 36 या 34 नंबर लगा सकते हैं जी तार? नहीं इस डाटा पे नहीं आप लगा सकते, क्योंकि जी जो प्रैक्टिकली मैंने इसका डाटा जो निकाला है वो अगर मेरी से टर्ने टूट जाती हैं हाँ तो जी मैंने उसमें थोड़ी हम फालतू टर्ने ले लेते हैं। सर। इसमें अगर 36 नंबर तार या 34 नंबर लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा जी इसमें? देखो 34 नंबर तार डालेंगे तो टर्ने घटेंगी आपकी, ठीक जी सर। है, तो अगर जैसे 34 नंबर तार जो है मोटी है, जी सर। ठीक है, हाँ जी और अगर आपकी 36 नंबर तार डालोगे तो टन्ने बढ़े, ये बढ़ेगी, क्योंकि 36 नंबर तार जो है आपकी पतली होती है, तो जी इसकी सर। आपको टन्ने बढ़ाओगे, फिर अंदाजे से बढ़ाओगे आप। सर हम अगर टर्ने नहीं बढ़ाते और स्टैंडर्ड वायर के जो साइज है वो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, फिर क्या होगा जी? नहीं अगर आपने या इसी में 36 नंबर तार डाल दी या 37 नंबर तार डाल दी, वैसे तो जी 36 ही आप डाल सकते हाँ हो, जी तो 36 में क्या होगा कि पक्का तो चल पड़ेगा, उसकी हाँ स्पीड जी भी तेज हो जाएगी, जी उससे क्या होगा पक्का गर्म होगा, हाँ पक्का जी गर्म हो गया उसके बाद ओवर हीट हो गया, सड़ सकता है, जी सर। ये नुकसान है उसका। ठीक है सर। हाँ जी, और कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं आप। सर ये जो दूसरा पंखा है जी, जो नॉर्मल पंखा चलता है जी हाँ घरों जी में, हाँ, सर हाँ जी उसको हाँ, हाई स्पीड बना सकते हैं जी? देखो अगर उसको हम 1 4 की पिच डाल के ऐसे ट्रिपल डालेंगे उसमें डल सकती है, हाँ अगर हम जी हाँ जी डालेंगे हाँ जी तो उसमें क्या होगा कि पक्खी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, तो ऊपर से टक्कर खाने लग जाएगा स्पीड, ठीक है जी। ठीक है, उसमें हमने ये वाला डाटा नहीं डाल सकते, इस तरह का नहीं डाल सकते, सर अगर कोई डाल दे उसमें हाई स्पीड बना दे तो फिर पंखे तो को क्या हाई फर्क स्पीड तो पड़ेगा? चल पड़ेगा, हाँ जी और वो क्या होगा इतनी तेज स्पीड होगी कि वो आपका टक्करें खाने लग जाएगा, और स्पीड उसकी वो पहली बात तो डलेगा, डालोगे तो उसके बाद उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी, बहुत अधिक तेज हो जाएगी, जी सर। और वो आपको ऊपर डोलने लग जाएगा और छत के साथ टक्कर खा जाएगा। अनबैलेंस हो जाएगा हाँ जी, जी अनबैलेंस सर। ऐसे काम के चलेगा। ठीक है सर। एक हाँ आपने चेन के बारे में बताया, ये चेन वाइंडिंग वो कैसे जी?
चेन रिवाइंडिंग ऐसे होता है कि भी जैसे अगर आप मशीन से रिवाइंड करोगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे। हाँ जी। जैसे अब ये आपने लंबी कॉल का निकाला है। हाँ जी। तो ये लंबी कॉल का इसको ये आपका हो गया 450 टन ने। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी। तो आपको अगर उसमें आप ये डालते हो मशीन से रिवाइंड करते हो तो आपको 450 टन डालनी पड़ेगी। सर इसमें चेन रिवाइंडिंग कर सकते हैं जी? किसमें चेन रिवाइंडिंग? चेन रिवाइंडिंग कर सकते हो, मैं बता तो रहा हूँ कि भी आपको 450 टन डालनी पड़ेंगी इसमें। जी सर। कट्टी सर उसका कोई नुकसान तो नहीं? पंखा सर तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं है जी सर। तो आप जैसे मर्जी डाल लो। अगर आपके पास मशीन नहीं है, आप लंबी कॉल से डाल रहे हो, लंबी कॉल वाला भी कामयाब है जी सर। वो दोनों तरीकों में से भी आप कोई भी तरीका डाल सकते हो जी सर। हाँ जी। तो मैंने आपको हाई स्पीड का डाटा बता दिया है, तो मैं अगले पार्ट में आपको मैं इसको कॉलें डालने की विधि बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।